हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं नो नेम ओनली। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरी जानकारी देखने वाले हैं फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे के बारे में। ओके, तो 2021-22 के जो एडमिशन्स हैं वो कब स्टार्ट होंगे, वहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड है, मतलब कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है यूजी पीजी के, उसके बाद सीट्स कितने होंगे कोर्स वाइज ये भी देखेंगे, और साथ ही साथ हम फीस स्ट्रक्चर और प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम यूजी कोर्सेज की बात कर लेते हैं। वहाँ पर यूजी कोर्सेज के टोटल 11 कोर्सेज ऑफर्ड किए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले बीए जो फर्स्ट ईयर है उसके 240 सीट्स इंग्लिश मीडियम के अंदर ग्रांट एडेड है, और उसके बाद मराठी मीडियम के अंदर जो है तो 120 सीट्स है, और सेल्फ़ फाइनेंस इंग्लिश मीडियम बीए के 120 सीट्स है। मतलब ये सेल्फ फाइनेंस की जो है तो ये फीस थोड़ा सा ज़्यादा होंगी बस। ओके, उसके बाद बीएससी के अंदर देख सकते हैं बैचलर ऑफ साइंस जनरल साइंस एडेड है, 600 सीट्स है इसके, और उसके बाद बीएससी माइक्रोबायोलॉजी उसके 120 सीट्स है, और बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस ये दोनों भी अलग अलग है। ओके, इन्वायरमेंटल साइंस अलग होगा और माइक्रोबायोलॉजी अलग होगा, उसके 120 सीट्स। ओके, उसके बाद बीएससी कंप्यूटर साइंस सेल्फ फाइनेंस के अंदर 160 सीट्स है, और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी सेल्फ फाइनेंस 24 सीट्स, और उसी तरह से बीएससी एनिमेशन के 160 सीट्स, और बी वोकेशनल कोर्सेज के अंदर मीडिया एंड कम्युनिकेशन के 100 सीट्स, और डिजिटल आर्ट एंड एनिमेशन के 100 सीट्स। तो इस तरह से यहाँ पर सीट्स अवेलेबल है। ओके, कोर्स वाइज टोटल 11 कोर्सेज ऑफर्ड है यूजी के अंदर। अब हम पीजी के देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पीजी के कोर्सेज जो है बीएससी बॉटनी 24 सीट्स, बीएससी बायोटेक्नो सॉरी एमएससी बॉटनी 24 सीट्स, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी 24 सीट्स, यहाँ पर एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री में 24 सीट्स, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पर सभी कोर्सेस वाइज यहाँ पर सीट्स दिए गए हैं, और ये जो सीट्स जो है मैं आपको एक पोस्ट की भी लिंक दे दूँगा ब्लॉग की, वहाँ से भी आप की क्लियरली चेक कर सकते हैं, या तो फिर वीडियो को पॉज कर चेक कर सकते हैं। ओके, फिज़िक्स की अगर बात करें तो फिज़िक्स के अंदर ग्रैंड में भी 30 सीट्स है, और सेल्फ फाइनेंस में 24 सीट्स एमएससी फिज़िक्स। ओके, यहाँ पर इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के 30 सीट्स है, और एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के 24 सीट्स, और एमएससी डेटा साइंस के 24 सीट्स। और उसके बाद अगर बात करें आर्ट्स फैकल्टी की तो एमए आर्ट्स एमए इंग्लिश के अंदर है 60 सीट्स, और एमए जो है तो मराठी के अंदर है 60 सीट्स, और एमए साइकोलॉजी के अंदर है 24 सीट्स। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर पीजी के कोर्सेस है यहाँ पर। ओके, तो पीजी के टोटल 17 कोर्सेस हैं। ओके, 14 यहाँ पर एमएससी के अंदर आते हैं, और 3 जो है तो एमए के अंदर आते हैं। ओके, तो अब हम फीस स्ट्रक्चर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बीए जो ग्रांट की फ़ीस है वो है 7000। ओके, फर्स्ट ईयर की अगर बात करें, सेकेंड ईयर की 6000 है 70 रुपीज़, थर्ड ईयर की 2320 रुपीज़। ओके, बीएससी की ग्रांट की अगर बात करें तो 8700 फर्स्ट ईयर की, और उसी तरह से यहाँ पर एमएससी की भी फ़ीस जो है तो चेक कर सकते हैं आप ईयर वाइज, और यहाँ पर एमए की है। यहाँ पर ये जो भी कोर्सेस है ये ग्रांट के कोर्सेस है, मतलब गवर्नमेंट एडेड कोर्सेस है ये जो है। तो रिज़र्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट कॉलम की फ़ीस, ओके, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड कॉलम की अगर फ़ीस की बात की जाए तो ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए, यहाँ पर बीए के लिए 9355। उसके बाद यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर बीएससी के लिए 11135, और एमए के लिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर की अगर बात करें फिज़िक्स एमएससी की 11000, और एमए के लिए 9790।
और जो स्टूडेंट्स अदर देन महाराष्ट्र स्टेट हैं, मतलब महाराष्ट्र स्टेट के बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है तो 10,000 बीए के लिए फर्स्ट ईयर के लिए, और बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए अगर देखें तो 12,500। फिर आप चाहे कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करें, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ये ही फीस होंगी, रिज़र्व हो या फिर ओपन कैटेगरी हो, जनरल कैटेगरी। तो ओके, तो यहाँ पर हो चुकी है ये ग्रांट की फ़ीस, मतलब एडेड की। उसके बाद जो अन एडेड कोर्सेस है उनके लिए यहाँ पर देखिए फ़ीस, यहाँ पर बीए के लिए जो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के जो रिज़र्व स्टूडेंट हैं उनके लिए 15,000, और सेम जो रिज़र्व जनरल कैटेगरी के महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके भी लिए सेम फीस है 15,300, और जो अदर देन महाराष्ट्र स्टेट हैं उनके लिए 20,000। तो इसी तरह से यहाँ पर बीएससी के लिए भी आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बीएससी के हैं, और उसी साथ साथ यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी बीएससी है ये, और जो भी बीएससी के कोर्सेस है इन्वायरमेंटल साइंस और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पर सभी की को फीस जो है तो वो वैरी है कोर्स वाइज बीएससी के अंदर। तो इसीलिए आप केयरफुली ये फीस स्ट्रक्चर चेक कर दीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए फ़ीस कितनी है, और रिज़र्व स्टूडेंट्स के लिए 20,000, फिर महाराष्ट्र के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 51,000, और यहाँ पर अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए 89,000। तो इसी तरह से यहाँ पर सभी फ़ीस दी गई है। ओके, तो आप केयरफुली चेक कर लीजिए। और यहाँ पर ये पीजी के कोर्सेज की फ़ीस है, जो सेल्फ फाइनेंस के अंदर आते हैं उनकी भी फ़ीस आप केयरफुली चेक कर लीजिए। और रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ की जो लिंक है मैं आपको पीडीएफ डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा। और एडमिशन जो है तो स्टार्ट होते हैं इन कोर्सेज के लिए, यूजी की अगर बात कर दीजिए तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जब भी 12th क्लास का रिज़ल्ट लग जाएगा उसके एक दिन बाद ही नोटिफिकेशन आ जाता है, या फिर एक दिन पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा रिज़ल्ट लगने के। ओके, तो महाराष्ट्र स्टेट के जो भी एचएससी बोर्ड का रिज़ल्ट लगता है यूजी के कोर्सेस उसके एक वीक के अंदर स्टार्ट हो चुके होते हैं। और अगर पीजी कोर्सेस की बात की जाए तो पीजी कोर्सेस का जो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है पुणे की, जब भी वहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का रिज़ल्ट लग जाता है फाइनल ईयर का, तो उसके बाद यहाँ के एडमिशन स्टार्ट हो चुके होते हैं। तो अगर पीजी कोर्सेज के लिए जो है तो यहाँ पर सेल्फ एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कैरीड आउट होती है। ओके, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और उससे आपका सिलेक्शन होता है। ओके, पीजी कोर्सेज के लिए, और यूजी कोर्सेज के लिए जो है तो आपके 12th स्टैंडर्ड के बेस के ऊपर ही एडमिशन्स होते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और एडमिशन जब भी स्टार्ट होंगे मैं कंप्लीट स्टार्ट टू एंड आपको जानकारी देते रहूँगा सभी कॉलेजेस की जो भी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे के अंदर आते हैं, जैसे कि एसपी कॉलेज, गरवारे कॉलेज, वाडिया कॉलेज, बीएमसीसी कॉलेज। ओके, तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।